हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री राम की लीलाओं के बारे में। सो निश्चित रूप से कल रामनवमी है, तो इसलिए मैं जन्म लीला के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक और बड़ी मधुर लीला, वैसे सारी लीलाएं बड़ी मधुर हैं भगवान श्री रामचंद्र की, लेकिन क्योंकि बसंत चल रहा है तो सारी ऋतुएं जो है क्योंकि भगवान श्री राम की लीलाओं में भी हैं। ठीक है, जैसे जो ग्रीष्म ऋतु है वो है उनकी वनवास की लीला, ठीक है जी, जो शरद ऋतु है वो है उनकी युद्ध लीला, इस प्रकार से जो वसंत ऋतु है, जो कि आजकल वसंत ऋतु चल रही है, तो ये है उनके विवाह की लीला। तो भगवान श्री रामचंद्र का जो विवाह हुआ है बड़ा अद्भुत, बड़ा रोचक है, तो इस पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर जो जन्म की जन्म लीला है, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो वैसे जो भगवान श्री राम की लीलाएं हैं बहुत ही मधुर है, इतनी मधुर है कि खुद श्री राम को भी बहुत आनंद देती हैं। हम सब जानते हैं कि किन्होंने भगवान श्री राम जी के बारे में 24,000 श्लोकों वाला महाग्रंथ लिखा, रामायण, वाल्मीकि जी ने। ठीक है जी, अब वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा, वाल्मीकि जी ने भला ये ग्रंथ कैसे लिखा, मतलब उन्हीं को क्यों लिखने का मौका दिया गया, और भी कई लोग थे वहां पर। एक तो वाल्मीकि जी का जीवन सिद्ध हुआ है राम जी का नाम लेकर के, शुरू हुआ था कैसे, मरा खरगोश, मरा हिरण, मरा शेर, मरा जानवर, मरा 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 राम 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 राम। तो इस तरह से उनका जीवन सिद्ध हुआ है। साथ ही उनपे कृपा करने के लिए उनके आश्रम में कौन आई, स्वयं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति सीता मैया। तो इसीलिए सीता मैया का विशेष रूप से जाना था, उसका कारण यह था कि वाल्मीकि जी को यह शक्ति का आवेश कर सकें, कृपा का आवेश कर सकें उनके अंदर, कि वो रामायण को लिख सकें। तो इसीलिए सीता मैया जब गई तो उन्होंने तो वाल्मीकि जी के आश्रम में गई। तो कई लोग जो मानते हैं कि स्त्री ने तो सिर्फ परीक्षाएं ही देखी है, नहीं सर, एक्सक्यूज मी, और क्या नहीं, तो राम जी ने उनको निकाल दिया जब वो गर्भवती थी। वेल, सीता मैया ने बोला था कि ना, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जो जन्म हो तो वो संत महात्माओं के बीच में हो, ताकि उनमें गुण हो, सद्गुण हो वाले हो मेरे बच्चे, इसीलिए। तो उनकी खुद की इच्छा थी, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, सीता मैया की इच्छा थी। दूसरा, आप जाएंगे तो कहां जाएंगे, फिर जाएंगे तो फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाकर के उन पर कृपा करेंगी ताकि वो रामायण को लिख सकें। तो इसीलिए उन पर कृपा करने के लिए भी सीता मैया वहां पर गई। और जो वाल्मीकि जी का आश्रम था वो अयोध्या की ही एरिया में आया करता था, ऐसे नहीं कि उन, शी वाज एक्साइल्ड, द एपिसोड ऑफ द एक्साइल ऑफ सीता, थोड़ी आपके अंग्रेजी पुअर है, शी वाज नॉट रियली एक्साइल्ड, शी वाज शिफ्टेड, एक्चुअली शिफ्ट बोलना चाहिए, शी वाज शिफ्टेड टू वाल्मीकि मुनि आश्रम, ताकि उनको उन पर कृपा कर सके। अब लवकुश हुए, लवकुश को इतनी सुंदर ट्रेनिंग दी वाल्मीकि मुनि जी ने भगवान की लीलाओं को लेकर के, वो जहां भी जाते थे श्री राम की लीलाओं को इतना सुंदर गुणगान करते थे कि जितने ऋषि मुनि संत महात्मा जो उनको सुनते थे वो कहते थे इतना सुंदर गुणगान करते हो राम जी का लवकुश, कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन तुम उनके सामने गुणगान करो जिनकी गाथा है, यानी राम जी के सामने तुम्हें गुणगान करने का मौका मिले, ऐसा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो सारे संत मुनि महात्मा लोग जो है लव कुश को आशीर्वाद दिया करते थे। अब जब आशीर्वाद जब संत मुनियों से मिलता है तो आशीर्वाद तो काम करेगा। फाइनली अयोध्या से स्पेशल इनविटेशन आया गोल्डन पेपर के ऊपर, रिस्पेक्टेड लव एंड कुश, यू आर कोर्टली इन्वाइटेड टू अयोध्या इन द कोर्ट इन द फ्रंट ऑफ श्री रामचंद्र एंड अदर कोर्टिजन्स, यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्लोरीफाई श्री रामचंद्र रामायण विच हैज बीन कंपोज बाय वाल्मीकि मुनि जी, your servants, administrative staff, Ayodhya. Hey, wonderful, nice, बहुत बढ़िया जी। तो ऐसा इन्विटेशन पा करके लव कुश पहुंचे श्री राम जी के दरबार में, और वहां पर इतना सुंदर गुणगान किया कि सबके सब मंत्र मुग्ध थे। अब राम जी जो है ऊपर बैठे हुए हैं, राम जी ऊपर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी बाकी कोर्ट में रहने वाले हैं वो सबके सब मंत्री इत्यादि वो सब भी सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का आनंद साथ में बैठ के आता है। तो जितने भी सब लोग थे वो नीचे बैठे हुए थे, सबके सब जैसे जैसे कथा का जो फ्लेवर होगा उसमें रोमांच है, उसमें सस्पेंस है, उसमें एक्शन है, उसमें रोमांस, उसमें उसमें सेपरेशन है, उसमें पीड़ा है, तो जो जो भाव आते थे वो भक्त मार रहे थे, हा हा हा, पूरी एब्जॉर्प्शन चल रही है, सबके सब मिलकर कथा सुन रहे हैं, और जैसी जैसी लीलाओं में रस चल रहा है उसी रस में उतार चढ़ाव
इधर उधर पूरा रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशन एंड डिवोशन बहुत पूरा चल रहा था। लेकिन कब होता है, जब साथ में कथा सुनी था, अरे क्या बात है, अरे ताली है, अरे क्या बात है, तो भाई आनंद आता है, रस में रस आता है लीला में। अब राम जी ऊपर बैठ के देख रहे हैं, ये लोग नीचे बैठ के बहुत कथा में रस ले रहे हैं लोग। तो राम जी को भी लगा कि हमें भी तो कथा सुनिए ना। तो राम जी ने सोचा अब मैं नीचे आऊंगा तो मेरे जो गहने उनकी आवाज होगी छन 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 छन, तो इनकी मेडिटेशन टूट जाएगी। तो राम जी ने कहा कि आपने गहनों को पकड़ा और एक एक सीढ़ी नीचे उतरनी शुरू की, एक दो ऐसे करते 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 फाइनली ही वाज आल्सो देयर विद देम। अभी कथा सुन रहे हैं, ये भी है, राम जी भी इनके साथ लगे हुए, अरे बहुत बढ़िया, अरे अरे और ये क्या बताए उन्होंने यार, सारे के सब के सब राम कथा को इस प्रकार से सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो सबको लगा कि पता नहीं राम जी को कैसी लगी होगी, तो सबने जो है सिंहासन की ओर देखा, राम जी कहां चले गए, राम जी बीच में चले गए क्या, कथा तो बहुत सी चल रही थी। ओ जी, राम जी ने कहा मैं यहीं पे ही हूं, ओ सॉरी हम तो आप ही के साथ। तो राम जी ने कहा देखो अगर कथा सुननी होती तो क्या साथ बैठ के हरस आता है, तो इसलिए मैं ऊपर बैठा हूं, मैं बड़ा अकेला अकेला था। So who wants to be there in Brahma Jyoti? I want to be with devotees. तो मैं ऊपर बैठा हुआ था, तो इसलिए मैं फिर आ गया भक्तों के साथ यहाँ पर। तो इस प्रकार से श्री राम भी कथा को सुनते हैं, लेकिन राम जी इसलिए सुनते कि ना रामायण है, मेरी कहानी है, सुनाओ सुनाओ मेरी कहानी सुनाओ। अच्छा अपने मुंह मियां मिट्टू ऐसा क्या, नहीं। जब राम जी जब रामायण को सुनते हैं तो उसको रामायण के तौर पर नहीं सुनते, उसको सुनते हैं एज रामायण, रमा नॉट रामायण, इट इज रामायण। रमा कौन है, सीता मैया। तो क्योंकि जो गाथा है ये सीता का गुणगान है, इसलिए मैं इस गाथा को सुनना चाहता हूं क्योंकि इसमें मेरी सीता का गुणगान है। तो इस भाव से राम जी सुनते हैं उसको विद द भाव एज रामायण, बाकी तो पूरी दुनिया सुनती है वो सुनती है एज रामायण, लेकिन राम जी उसको सुनते हैं एज रामायण। तो राम जी भी बहुत आनंद लेते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से भगवान की जो जो लीला है बहुत ही मधुर है। तो अब ये विवाह की जो लीला है इसकी शुरुआत कैसे होती है, जब कुछ समय ऐसा हुआ था कि शैव भक्तों में वैष्णव में चर्चा चल रही थी श्रेष्ठ कौन है, विष्णु श्रेष्ठ है या शिव श्रेष्ठ है, उन्होंने कहा नहीं विष्णु श्रेष्ठ है, उन्होंने कहा नहीं शिव जी श्रेष्ठ है, कहा सिंपल लेट्स हैव अ मैच, देखते हैं कौन जीतता है। विश्वकर्मा जी दो धनुष बनाइए, एक दीजिए विष्णु को एक दीजिए शिव जी को, लेट्स हैव मैच, ओके टन फर्स्ट राउंड। और फिर दो तरह से तीर चले और फिर भगवान विष्णु ने शिवजी के सारे तीर काट भी दिए। अब जो तीर था वो शिवजी की ओर बढ़ गया। अब शिवजी जानबूझ करके दौड़ रहे हैं उन स्थानों पर जहां पर ये लोग ये विश्वास करते थे कि शिवजी जो है वो परम है। तो देख रहे दौड़ रहे थे, देखो विष्णु का तीर है नारायण से, एंड आई एम रनिंग, यू अंडरस्टैंड, हां गुड। तो देखा सब जगह हो गया, कन्विक्शन हो गई, सारे कोचिंग सेंटर पूरा हो गया, कोचिंग काम पूरा हो गया, यस। फिर नारायण अस्त्र को प्रणाम करते, नारायण हरे कृष्णा, नारायण अस्त्र का ओके डन, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो जब ऐसे युद्ध हो रहा था तो युद्ध में जब शिवजी भागे तो शिवजी ने अपना धनुष छोड़ा और फिर शिवजी भागे, तो ये जो धनुष गिरा ये मिथिला में जाके गिरा। तो मिथिला में जब गिरा तो मिथिला में आवाज था, तो तुरंत जनक महाराज ने भेजा, देखो देखो क्या हुआ क्या हुआ, क्या क्या, क्या माज रहा है, जाके देख करके आया, देखो इतना बड़ा धनुष, उसमें लिखा हुआ था दिस बो बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा मैन्युफैक्चर्ड बाय विश्वकर्मा, तो शिव जी का धनुष है ये, तो हमारे लिए पूजनीय है, इसको उठा करके इसको हम पूजा के स्थल पर लेके जाएंगे, रोज हम इनकी आरती करेंगे। लेकिन उसको उठाया कौन, तो 500 क्षत्रिय त्रेता युग के क्षत्रिय वो आए इसको उठाने के लिए और सबने मिलकर इसको उठाने का प्रयास, और वो भी मिथिला के हैं, ये कलयुग के क्षत्रिय नहीं है, कलयुग के नाम में क्षत्रिय होता है, हम खत्री हैं, और यहां से गमला वहां से वहां उठा देना। तो ये कलयुग वाले क्षत्रिय नहीं, ये तो सब पायलटेड वाले कलयुग के अंदर, हम क्षत्रिय और पलंग यहां से वहां कर लेंगे, और लो जी पलंग भी लेटे होंगे उसकी बात करिए। So, ये त्रेता युग के क्षत्रिय असली माल क्षत्रिय, ये मतलब प्रोटीन शेक और जिम वाले से भी ऊपर वाले क्षत्रिय है, ऐसे 500 लोग
ऐसे करके किश्तों में उठाओ जी उठाओ 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 रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे। ऐसे करते 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 500 क्षत्रियों ने किश्तों में पहुंचाया महल के अंदर कि भाई ओके पूजा स्थान पहुंच जाए। उसके बाद सबके सब गए अपना, सबने फिजियोथेरेपी कराई, अपने मलहम लगवाए, आयोडेक्स लगाए, हिमानी फास्ट रिलीफ, ये तो मसाज वगैरह पतंजलि वो सब जगह अपना अपना रिस्ट्रिक्ट होने के लिए भाई। तो दिस वॉज टफेस्ट प्रोजेक्ट टू ट्रांसफर द बो ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इस प्रकार से ये अभी बो पहुंच गया। ठीक है जी, अब सीता जो है वो प्रकट हुई थी अब जनक महाराज यहां पर। अब छोटी है, 6 साल की है, तो ऐसा लगा था कि भाई जो है सहेलियों के साथ खेला करती थी। तो सहेलियों के साथ खेलते करते उनको फूल चाहिए थे, कहते अरे फूल तोड़ते हैं। तो फूल नीचे के तो तोड़ लिए थे, ऊपर फूल जो थे ना वो बड़े पके हुए फूल थे। तो कोई बड़ी सी छड़ी मिल जाती ना तो ऊपर के फूल भी तोड़ लेते हम लोग। कहते फिर बड़ी छड़ी कोई है, कोई लंबी छड़ी मिल जाएगी ना अगर, तो ऊपर के फूलों को भी तोड़ लेंगे हम लोग। हाँ बात तो सही है, लंबी छड़ी। सीता मैंने कहा कि ना एक छड़ी मैंने देखी है, वो ना लंबी सी है, उसका क्या मेरे पापा जो है बत्ती घुमाते हैं, वो लंबी सी है, उसको लेकर के ना हम फूल तोड़ सकते हैं वैसे। कहते फिर ले आना फिर तू। कहते मैं अभी लेके आती हूँ। वो सीता दौड़ करके गई है अभी, और शिव जी का धनुष उठाया, लाए ऊपर के पत्ते वत्ते तोड़ने शुरू कर दिए। तो और ये फूल इकट्ठा करके, कहते ये तो बढ़िया छड़ी लेके आई तू सीता। कहते हाँ है। और सीता जो है सीता मैया ने इस तरह से फूल इकट्ठे और करने शुरू कर दिए। एक मंत्री ने देखा, अरे भाई इका भैया हैरान। गए जनक महाराज के पास, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बताओ क्या हुआ। महाराज आपकी बेटी सीता शिवजी के धनुष को लेकर के फूल पत्ते तोड़ रही है। जनक महाराज ने कहा देखो मैं जानता हूं कभी कभी ओवर ड्यूटी करने की वजह से बुद्धि थोड़ा विकृत हो जाती है, आप आराम करो, आप ऋषि के हरिद्वार होकर के आओ, नो प्रॉब्लम। नहीं महाराज सच बोल रहे हो। मंत्री देख क्या 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 बोल रहे, ये क्या उसने देखा वाकई में सीता जो है तोड़ रही। कहते हैं वो बोला पेड़ तो रह गया, और सीता वही उसमें घुमा रही है उसको और पत्ते तोड़ रही है। महाराज सच में ऐसा हुआ है, सीता तो शिव जी के धनुष से पत्ते तोड़ रही है। क्या बोल रहे हो तुम सबके सब लगता है ओवर टाइम कर रहे हो भाई। कोई बात नहीं, आप लोग आराम करो, ऐसे मिथिला में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही देखकर कहता हूं माजरा क्या है ये भाई। गए वहां पर देखे तो वहां पर जहां सीता जहां आपने घुमा रही थी और कोई बचा है क्या। काफी तोड़ लिया ना हमने, और शिव जी के धनुष घुमा रही, शिव जी का धनुष घूमा, जनक महाराज का सर घूम गया। ये क्या देख रहा हूं मैं, शिव जी का धनुष जिसको उठाने के बाद मेरे क्षत्रियों की स्लिप डिस्क हो गई, वो लोग अपना एस्कॉर्ट्स में इलाज करा रहे हैं, और यहां मेरी बेटी सीता ऐसे धनुष घुमा रही है और फूल पत्ते तोड़ रही है। अच्छा उसका कहीं पापा अरे गई अंदर ले गई और अंदर जाके रख दिया। हाँ जी पिताजी। कुछ नहीं बेटा, क्या बोलूं बेटा बस। तो सीता फिर अपने सहेलियों के साथ खेलने के लिए चले गए। अब भाई मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब बुलाए गए, आओ भाई आज जो हुआ है भाई ये तो बुद्धि के परे है, ये तो बुद्धि के परे, ऐसा कैसे होगा कि ये सीता ने शिव धनुष को ऐसे उठा लिया, तो अद्भुत बात है जी। तो सब गोष्ठी वोष्टी हुई, कहते भाई ऐसी अद्भुत लड़की है, तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिस दैट कर कराकर पता लगा ये तो ये साक्षात महालक्ष्मी है। यस महालक्ष्मी है, ये तो वास्तव में कृपा देने के लिए आई, जैसे मोहन बाबू जी सबको कृपा देते रहते हैं। प्रभु जी का हार्दिक स्वागत है। यस
तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है जी, लक्ष्मी। अरे हाँ जी, लक्ष्मी क्या सहस्त्र लक्ष्मी इसके अंदर विराजती है, ऐसी है ये, इतनी अद्भुत है ये लड़की। अरे अब चिंता वाली बात ये है, फिर इसके इसके बराबर का योग्य वर भला कहां से मिलेगा, कहां से ढूंढेंगे हम? महाराज इसमें फिर एक ही चारा है, अगर आपकी बेटी ने ये शिवजी का धनुष उठा लिया है, तो जो शिवजी का धनुष उठा लेगा हम मान लेंगे भाई हाँ ये है भाई दमदार व्यक्ति है। ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली, शिवजी का धनुष से दो व्यक्ति उठा सकते हैं, एक तो शिवजी खुद, दूसरे नारायण उठा सकते हैं। अगर तो ये लक्ष्मी, अगर मेरी बेटी लक्ष्मी है तो शिवजी इस बात को जानते होंगे, तो शिवजी भी कभी इसको उठाने के लिए नहीं आएंगे। और अगर विष्णु भी, अगर जो कि लक्ष्मी है तो इसलिए विष्णु भी जानते हैं यहां पर, तो यानी आएंगे तो सिर्फ विष्णु ही आएंगे, तो शिवजी के धनुष को और कोई टिटपुजिया उठा ही नहीं सकता। इसे या तो शिवजी उठाएंगे या फिर नारायण उठाएंगे, या तो फिर नारायण ही आएंगे। फिर कहते ये तो पता लगेगा नहीं नारायण कैसे है, तो ये एक ही तरीका है, शिव धनुष को जो उठा लेगा वो ही योग्यवर होगा सीता के लिए। तो इसे फिर स्वयंवर रचा गया और अनाउंसमेंट भेज दी गई, पर्चे वर्चे बांट दिए गए, पैम्फलेट्स बांट दिए गए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दिए गए, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो गया, एड हो गई, जो आइए आइए सबका स्वागत है, जो ये शिव जी का धनुष उठा लेगा इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह होगा। और सबने ना सीता की, सीता में एक इतनी प्रशंसा सुनी हुई थी, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि, और इतनी गुणवान है, इतनी चरित्रवान है, पवित्र है, सबने इतनी प्रशंसा सुनी हुई है सीता मैया की। अरे सीता होगी तो हमारी होगी, सीता होगी तो हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, ये सोचने सबके सब। लेकिन जब ये सुनते थे अरे, लेकिन शिवजी का धनुष, शिवजी का धनुष, और ये बात जो अखबारों में छपी थी, जिन लोगों ने शिवजी का धनुष उठाया 500 क्षत्रियों ने, उनके सिर्फ हुई है सबकी, ये तो अखबारों में छपी बात, लेकिन मैं अकेला कैसे उठाऊंगा, लेकिन सीता उठा लूंगा, उठा लूंगा, उठा लूंगा, उठा लूंगा। तो सीता मैया के बारे में स्मरण करते हुए कहते नहीं उठा लूंगा, उठा लूंगा। कई आज क्षत्रिय आए, सिक्स पैक वाले आए, प्रोटीन शेक पी करके आए, जिम मार करके आए, उठाएंगे उठाएंगे, जितने लोग उसको लगाते अरे ऐसे नहीं उठेगा भाई, ऐसे उठेगा, ये उस तरह पे हाथ लगाओ, उस तो कितने आगे से गीले हुए, पीछे से पीले हुए, और कोई डायपर पहन के आता नहीं था, तो कईयों की धोतियां गंदी हुई, ओए 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 ओए, अब कोपिन कितना संभालेगा बेचारा, कईयों की धोतियां गंदी हुई, करके आगे बेचारे जाते, अरे तुमसे क्या होना, अरे हम उठाएंगे। तो पहले ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते, फिर शिव जी के धनुष के नीचे हाथ लगा, ऐसे करके एक के बाद एक, एक के बाद एक क्षत्रिय आए जाए, धोतियां गंदी होती रही, आते रहे, प्रोटीन शेक पी के, जिम मार करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन हर बार जितना भी कोई बंदा, जितना बखान करता जनक महाराज, उसने निराश होते, जितना ये शोषा करते हैं ना उतना नकली माल निकलता है। जितने ऐसे ऐसे करके आते हैं, ऐसे ऐसे करके आते कर रहे होते हैं जनक महाराज, सो डिसअपॉइंटेड, क्या है मतलब, पता नहीं मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, किससे होगा, कब होगा, मेरी बेटी सीता कौन से कोई विवाह कर पाएगा, कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। तो संत मुनि आकर देते ढांढस, देते कहते देखिए चिंता मत करिए, आपकी बेटी बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है, तो इसीलिए कोई आएंगे नारायण आएंगे, चिंता मत करिए। अब यहां भगवान श्री रामचंद्र जो है, ही वॉज ऑन द वकेशन विद इनके साथ विश्वामित्र मुनि जी के साथ, तो विश्वामित्र मुनि जी के साथ युवा समर वकेशन, समर वकेशन है, उसमें कुछ राक्षसों को भी मारते हैं, कहानियां भी सुनते हैं, और कभी कभी स्नान भी करते हैं, कभी गंगा में स्नान करते हैं, गोदावरी में स्नान करते हैं, एंड देन इन दिस वे राम और लक्ष्मण जो है, दोनों के दोनों दे आर हैविंग गुड टाइम विद विश्वामित्र मुनि। तो इस तरह चलते 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 फाइनली उन्होंने देखा बहुत ही लश ग्रीन, बहुत ही तेजस्वी स्थान,
राम जी ने पूछा, हे मुनिवर ये कौन सा स्थान है? उन्होंने कहा ये स्थान है मिथिला। अच्छा मिथिला, हाँ यहाँ पर जनक महाराज राज करते हैं, बहुत ही आदर्श हैं, परमहंस हैं, राज ऋषि हैं और हृदय से एकदम शुद्ध भक्त हैं, हरि भक्ति में प्रगाढ़ हैं। अच्छा ठीक है जी, तो गए अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचे तो थोड़ा सीता मैया जो है अभी ऊपर थी चौखट पे, और वहां पर राम जी ने सीता मैया को देखा। जब सीता जी को देखा उन्होंने तो देखते ही रह गए, और सीता मैया ने जब राम जी को देखा तो देखते ही रह गए। अब यही तो आदि शक्ति, ये तो शक्ति शक्तिमान है, तो दोनों ही उसको देखते रहे। विश्वामित्र मुनि ने दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, कहते ये ही तो है, ये राम मिलाई जोड़ी है, राम जी की ही जोड़ी है ये, हाँ यस। तो विश्वामित्र ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण देख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, पहली बार तो किसी को देखा है, नहीं वो देखते रहे किसी को देखते रहे, और हृदय के अंदर राम जी ने सोचा ये कितनी पवित्र है, कितनी सुंदर है, कितनी शालीन है, अगर कभी विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा। और वहां सीता मैया ने भी वहां हृदय में भाव रखा, ये क्या पुरुष है, कितना पवित्र है, कितना तेजस्वी है, ओजस्वी है, शौर्य से भरा हुआ है, अगर कभी विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, ऐसा हृदय के अंदर भाव आ गया। तो मनी मन में जो है दोनों एक दूसरे को अपना पति पत्नी स्वीकार कर ही लिया। अब उसके बाद जो है, अब हृदय में तो दोनों स्वीकार कर चुके, अब राम जी अंदर गए, वहां जनक महाराज ऐसे बैठे हुए थे, तो विश्वामित्र ने कहा प्रणाम, हे राजन क्या हो गया आप इस प्रकार से उदास बैठे हैं? क्या बताएं, जो आता है ये शिवजी का धनुष है, कोई उठाए नहीं पाता, तो मेरे को डाउट है कि शिवजी भी उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे अपने धनुष को, इतना डाउट हो गया मेरे को तो, अब कि मैंने जो हाल देखा है ना, अब तो कितने लोग अप्लाई नहीं कर रहे कि बस जो पहलों का हाल हुआ है हमारे, बेइज्जतियां होनी और क्या, और क्या, नहीं तो इसीलिए हम तो बस यही सोच रहे हैं कि अब तो। अच्छा इससे पहले एक और चीज हुई थी, इससे पहले आया था त्रिलोकेश्वर रावण, वैसे जब सारे जो राजा इत्यादि थे तो जब किस दिन ही उठ रहा था, सबकी धोतियां गंदी थी, तो उसके बाद जो है तब अनाउंसमेंट हुई, टू 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 आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण, टू 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 ग्रैंड एंट्री। रावण ने कहा अरे चिलगोजों, अरे अमरूद के कीड़ों, बिना रीढ़ की हड्डी के क्षत्रियों, पपीते के छिलकों, तुमसे ये शिव का धनुष उठेगा, अरे मैं हूं शिव भक्त, हम उठाएंगे। और बम बम बोले, बम बम बोले, बम नमः शिवाय, पूरा मतलब ईगो वाले भाव के साथ बम बम सब भाई क्षत्रिय सोच रहे भाई ये बंदा लग रहा है यार। लेकिन जनक महाराज का तो मूड वैसे हो रखा था, कहते हैं किससे कहां होता है। तो अब उसके बाद रावण ने लिया अपना हाथ, अपने लेफ्ट हैंड को डाला धनुष के नीचे, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी का हाथ धनुष के नीचे भी आया पाया था, ये तो सब आगे अगले पीछे करके ही निपट लिए थे, इसने हाथ नीचे डाल दिया, और फिर इसने सीता को देखा। अब सीता मैया सुनती है ये लगता है उठाएगा, लेकिन अब मैं नहीं चाहती उठाए, और शिवजी भी जो कैलाश में थे, देखा ये धनुष तो मैंने राम जी के लिए रखा है, ये बांगड़ू कहां से आ गया। तो शिवजी जो है कैलाश से आए और अपने ही धनुष के अंदर प्रवेश कर गए, तो जब वो धनुष के अंदर प्रवेश किए तो धनुष इतना भारी हो गया कि रावण की जो उंगलियां थी वो धनुष के नीचे दब गई, और दबी तो चिल्लाए ओ वाले बढ़िया मैं ओए। जितने भी राजा थे बोले त्रिलोकेश्वर, अरे आगे त्रिलोकेश्वर, अरे हमारी धोतियां गंदी हुई तुम्हारी भी तो उंगलियां गई, त्रिलोकेश्वर रावण।
अरे उसका बुरा महादेव, वो महादेव ने हल्का सा रिलीज कर दिया उसको, रिलीज किया, उंगली निकाल दिया, बुरा हाल हो गया राम का। और सीता वही उनकी तो खूब हंसी निकली उनकी। लोकेश्वर जनक महाराज जो बड़े दुखी बैठ रहे थे उनकी भी हंसी छूट गई, उन्होंने भी अपनी हंसी कवर की, मतलब धुन बनाता हुआ, अरे यार ऐसे कैसे करता करता धुन बनाता हुआ, ऐसी बेइज्जती हुई जो रावण की तो है। रावण ने कहा इस मान का मैं बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा मैं त्रिलोकेश्वर रावण। तो उसके बाद अब इसमें फिर अब जनक महाराज बड़े दुखी थे, भाई कोई राक्षस हो, गंधर्व हो, कोई राजा राजकुमार कोई आए, कोई नहीं उठा पाया जी, कोई नहीं उठा पाया। तो इससे जनक महाराज बड़े दुखी थे। जय श्री श्री गौन का की जय, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता शाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम हनुमान जी की जय। तो इसलिए अब जब श्री राम आए तो फिर विश्वामित्र ने कहा क्या हो गया जनक महाराज, ऐसे उदास मत होइए, ये देखिए हमारे पास है राम, ये उठा लेंगे। मैंने कहा अरे इतना सुकोमल बालक है ये, ये 12-14 साल का लड़का क्या उठाएगा, हमने तो बॉडी बिल्डर को देखा जी यहां पर, ये देखो कितना कोमल सा है। और राम जी वाकई में कोमल दिखते हैं, ये तो हम देखते हैं मूवीज के अंदर देखते हैं हम लोग ना उनके सिक्स पैक, राम जी ऐसे रोज जाके जिम मारते हैं, कोमल है राम जी, बुझाए उनकी कोमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, बॉडी एकदम वेरी सॉफ्ट राम जी की। ये इतना सुकोमल राजकुमार भला ये कहां उठाएगा जी, बड़े बड़े आए सब निकल गए जी, कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी की बड़ी चिंता होती है, ये राम क्या उठाएगा। ये लक्ष्मण ने जब सुना, ओ लक्ष्मण जी तो बस बहुत गुस्सा हो गए, वो आपका आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, साहस भी कैसे किया आपने, इससे पहले आए होंगे कहीं क्षत्रिय लेकिन यहां पर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र हैं, अरे तो सुमेरु पर्वत को भी भुजाओं में लेकर उसको चकनाचूर कर दें, ये भला शिव जी के धनुष की क्या बात है, तुच्छ कुछ नहीं है। राम जी ने शांत किया, लक्ष्मण शांत शांत। अब हालांकि राम जी और लक्ष्मण जी का स्वभाव अलग अलग है, राम जी सुपर कूल, लक्ष्मण जी तुरंत क्रोधित होते हैं, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मन मिलता है दोनों का तो इसलिए बहुत प्रेम है। तो इसीलिए गुण मैच होना इतना जरूरी नहीं होता, मन मिल जाए वो ज्यादा जरूरी होता है, जब मन नहीं मिलते गुण मिले होते हैं तो उसमें तमोगुण और रजोगुण ही मिल जाते हैं उसके अंदर, तो वो स्यापा होता है लाइफ के अंदर। तो यहां राम जी ने उनको शांत किया, तो विश्वामित्र ने कहा कि आपको एक मौका तो देना ही चाहिए कि अगर एक बार राम को देखिए, नहीं उठा पाएगा ठीक है, एक बार मौका तो दीजिए, ठीक है कर लो प्रयास तुम राजकुमार, कर लो तुम भी प्रयास। उसके बाद रामचंद्र जी ने प्रणाम किया कि ये मेरे भक्त का धनुष है, क्योंकि ये धनुष शिव जी ने जानबूझ के गिराया है इस बात को साबित करने के लिए कि वो मेरे भक्त हैं, विष्णु नारायण शेष है, इस बात को साबित करने के लिए वो युद्ध के लिए तैयार भी हुए और धनुष भी गिराया, तो वास्तव में यहां पर गिराया ताकि ये स्वयंवर हो सके, तो इसीलिए ये सारा मेरे भक्त ने किया है, शिव जी ने किया है, तो इसलिए अपने भक्त को प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी ने। यस, और क्योंकि शिव जी जो है वो भी वहां उपस्थित थे अदृश्य रूप में, वो भी आए, उन्होंने प्रणाम किया कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मेरा धनुष मेरे धनुष को प्रभु छुएंगे। उसके बाद प्रणाम करने के बाद राम जी ने जब धनुष उठाया, तो राम जी ने जब धनुष उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको कब तोड़ा, ये एक माइक्रो सेकंड में हुआ, एक माइक्रो सेकंड में, ऐसे धीरे धीरे करके उठाया हो, टूटू 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 टूटू, फिर प्रत्यंचा चढ़ा, टिटिंग 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 टिटिंग, जैसा टीवी में दिखाते हैं
ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होना। वन शॉट उठा के इतनी जोरदार आवाज हुई, इतने जोर से आवाज हुई कि इंद्र जो बैठे हुए थे, इंद्र की गद्दी हिल गई आवाज से, इतनी जोरदार आवाज हुई। छत थी वो हिल गई, फानुष था वो हिल गया, वो नीचे गिर गया, इतना कुछ हिल गया, ब्रह्मा जी की तक आवाज आई, उनका लोटस झूल गया। इतनी जोरदार आवाज थी, पूरे ब्रह्मांड में आवाज गई, 14 भुवनों में आवाज गई, शिवजी का धनुष को टूटने की आवाज, इतनी जोरदार आवाज थी। सबने इस आवाज को सुना, सिर्फ एक व्यक्ति ने इस आवाज को नहीं सुना। हो सकता है भला कौन है वो जिसने इस आवाज को नहीं सुना? सीता। सबने इस आवाज को सुना, लेकिन रीजन भी सीता मैया जो है वो उसी फॉर्म में, उस मेडिटेशन में, सुबह सुबह जो राम जी के दर्शन किए उन्होंने, राम जी इतने सुंदर हैं, इतने शालीन हैं, इतने पवित्र हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं, उनके उस वो डीप मेडिटेशन, इतनी डीप मेडिटेशन थी सीता मैया की कि इस आवाज को सबने सुना, ब्रह्मांड में हर व्यक्ति ने सुना। ब्रह्मा जी का लोटस हिल गया, ब्रह्मा जी भी नहीं सुना, नहीं सीता मैया जो कि वहीं पर ही है, उसी स्थान पर है, उन्होंने सुना। That is the depth of meditation of Mother Sita और श्री रामचंद्र। तो जितनी भी राजकुमारियां और जो बाकी थी दासी थी, उन्होंने कहा अरे सीते सीते, हाँ क्या क्या, शिव जी का धनुष टूट गया। एक आया राजकुमार ना, उठाया क्या, उठा एक मिली सेकेंड के अंदर, माइक्रो सेकेंड में उठा करके पतंजलि चलाते चलाते तोड़ दिया उसको। हाँ? अच्छा, ये सुन के सीता मैया दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने हृदय में तो स्वीकार कर लिया, वो जो सुबह जो व्यक्ति मुझे मिला था ना, मैंने तो उसको अपने हृदय में अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब पता नहीं कौन है जिसने धनुष तोड़ दिया है और मुझे उससे विवाह करना पड़ेगा। अरे ओ, किसने उठा लिया क्या, उठा के तोड़ दिया क्या, या तो खुश नहीं है क्या कि किसी ने उठा लिया। कहते हैं ठीक है, पर वो जो सुबह जो व्यक्ति मुझे मिला था ना, मैंने हृदय में तो अपना पति उन्हीं को स्वीकार कर लिया है। ये अच्छा, चल अब जो भी है, चल बुलावा आया है, चल जाना पड़ेगा। अब सीता मैया जो है घूंघट ओढ़ करके पहुंची, हाथ में वरमाला ली हुई है, लेकिन मन में बहुत दुखी है। ओहो, जिस व्यक्ति से मैं विवाह करना चाहती थी उससे तो हो नहीं पाएगा, पता नहीं कौन है ये जिसने धनुष तोड़ा है, पता नहीं कौन है। हृदय में जो है थोड़ा सा उनका दुख था, लेकिन अभी ऐसा सोच ही रही थी वो, ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने उनकी नजर पड़ी उनके चरणों पर। जब चरणों में नजर पड़ी, ये तो उन्हीं के चरण हैं जिनको मैंने सुबह सुबह देखा था। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा यही है वो जिन्होंने कि शिवजी का धनुष उठाया क्या, बल्कि टूट गया उनसे, तो इनसे हुआ है। तो उसी वक्त जहां शोक उनका हो रखा था इतना ज्यादा, इमीडिएटली शोक की अवस्था विद इन वन माइक्रो सेकेंड हर्षोल्लास की स्थिति बन गई सीता मैया के लिए। ये वही है, ये वही है जिनको मैंने सुबह देखा था, ये वही है। अच्छा, उन्हीं से हुआ होना है। स्तब्ध हो गई सीता मैया, स्तब्ध आनंद के मारे स्तब्ध। और यहां श्री रामचंद्र जी हैं तो जनक महाराज बड़े प्रसन्न थे। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि इतने समय बाद कोई तो योग्य वर मिला मेरी सीता के लिए। लेकिन बेटा, तुमको देख के लग ही नहीं रहा था कि तुम उठा पाओगे, तुम तो इतने कोमल दिखते हो। हमारे यहां तो 6 pack, 8 pack, 10 pack वाले सब आए, नहीं सब फैमिली पैक करके निकल गए, कोई नहीं उठा पाया। लेकिन बेटा, तुमने उठाया, मुझे बड़ा हर्ष है बेटा। बस अब तुम जो है मेरी बेटी का अब हाथ थाम लो, बस मैं यही चाहता हूं। राम जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली सीता मैंने तो घूंघट उड़ा हुआ है। राम जी ने सोचा ये मुझको नहीं पता था ये धनुष तोड़ करके ना विवाह हो जाएगा, पता नहीं किससे विवाह कर देंगे मेरा, मुझको तो उससे विवाह करना था जिसको मैंने सुबह सुबह देखा था। अब ये पता नहीं कौन है, लेकिन मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, मेरे को तो एक ही बार विवाह करना है। अब ये पता नहीं कौन है जिनसे मेरा विवाह हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने सीता मैया के चरणों को देखा और सीता मैया के हाथ में कंगन थे उनको देखा। अरे ये तो वही है,
ये तो वही है, तो इसलिए राम जी बहुत हर्ष में आ गए, अरे ये वही है जिसे वहां होना है, अरे ये तो वही है, अरे हाँ ये तो वही है। तो फिर वो बड़े प्रसन्नचित हो गए, लेकिन राम जी ने कहा नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता, सीता मैया इतनी खुश थी अभी दुख से बहुत सुख में, फिर एकदम से दुख में आ गए, मना कर रहे हैं, जनक महाराज जी सोच रहे हैं मना कर रहे हैं। राम जी ने कहा देखिए पहली बात मैं वेकेशन पे था, आई वॉज ऑन वेकेशन विद विश्वामित्र मुनि, मैंने नहीं बोला था मैं जा रहा हूं स्वयंवर में जाऊंगा शादी करके आऊंगा बहू लेके आऊंगा, दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतना हम समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं मैं और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ। ये देखिए मुझे अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही मैं विवाह कर पाऊंगा। सीता मैया मतलब वैसे ही पूरी तरह से सम्मोहित हो रखी थी, विदा हो रखी थी राम जी के ऊपर, ये सुनकर के तो उनका हृदय और चला गया राम जी के पास, क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं जिसे विवाह करूं वो चरित्रवान हो, क्या चरित्र है इनका, बहुत पराक्रमी हो, पराक्रम तो उनका पड़ा होता है, यहां पर शिवजी का धनुष टूटा हुआ धनुष पड़ा होता, और शिवजी भी शिवजी उस धनुष को निहार रहे थे, तो कितना लकी है कितना सौभाग्यशाली तेरे को राम जी ने तोड़ा है, शिवजी बड़े खुश थे धनुष बड़ा खुश था, तो इनका पराक्रम देख करके, पराक्रमी भी हैं चरित्रवान भी हैं और साथ ही माता पिता के प्रति उनका आदर का भाव, अरे और दिव्य है इतने सुंदर हैं, ये देख करके उन्होंने कहा ठीक है जी। ये फिर बात पहुंचाई जाए कहां पर, अयोध्या, अयोध्या की खबर पहुंची। जैसे ही खबर पहुंची अयोध्या तो वहां पर दशरथ महाराज ने सबको बोला पोस्टर छपवाओ सबको बोलो अभी तुरंत मिथिला के लिए निकलना है और जो उपहार साथ में ले चलना है ले चलो, पूरी अयोध्या के सारे गिफ्ट ले चलेंगे हम मिथिला की ओर चलेंगे। तो सबसे बुजुर्ग हैं दशरथ महाराज लेकिन सबसे आगे आगे थे, उनके पीछे पीछे 353 रानियां उनकी वो भी पीछे पीछे थे, उनकी 3 रानियां थे, उनकी थी 353 रानियां, 350 रानियां और भी थी उनकी, 350 रानियां भला कैसे हुई थी, परशुराम जी के साथ ये था कि परशुराम जी जब जाएंगे किसी राजा को तो उसको मारेंगे उसको डिफीट करेंगे, लेकिन अगर वो शादी कर रहा होगा तो छोड़ देंगे उसको, तो जैसे दशरथ को पता लगता था ओके परशुराम जी इस तरह आ रहे हैं तो शादी करो, तो पहले वो आई एम गेटिंग मैरिड परशुराम ठीक है फिर कभी आ रहा, तो ऐसे करके 350 बार परशुराम जी आए थे अयोध्या में, और दशरथ महाराज आई एम गेटिंग मैरिड, इस तरह से उनके 350 विवाह हुए थे ऑलरेडी, तो साथ में सुमित्रा भी है कैकेयी भी है और कौशल्य भी है, सो 350 प्लस 353 ऐसे 353 रानियां थी उनकी, 353 रानियों ने जो कुछ भी हाथ आया सब उठा करके गहने ये वो हीरे मोती फूल पत्ते जो फल इत्यादि जो हुआ टोकरियों में भर भर करके चल दिया, और सबसे आगे दशरथ महाराज मेरे बेटे का विवाह, मेरे बेटे का विवाह, अरे मेरे बेटे ने स्वयंवर में, अरे क्या बात है, चलो 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 चलो, और नाच रहे हैं गा रहे हैं पूरा रास्ता, वो नाचते रहे गाते रहे, पूरा फेस्टिवल था रस्ते भर, जितनी पालकियां थी वो लग रहा था मानो ये एक समुद्र है, ये अयोध्या वासियों का समुद्र है जो चला है अयोध्या से जनक महाराज की मिथिला की ओर, इस समुद्र के अंदर शार्क भी है, जितनी पालकियां थी वो शार्क जैसी लग रही थी, जितनी पगड़ियां थी वो लग रहे थे मानो बीच बीच में टापू है ये, और जो भक्तों का नाचना था वो लग रहा था मानो मछलियां उसमें कूद रही है, मानो समुद्र है, समुद्र में मछलियां भी हैं टापू भी हैं शार्क भी हैं और सबके सब नाचते गाते चल रहे हैं अयोध्या से मिथिला की ओर, इतना बड़ा हजूम था, इतना बड़ा हजूम था कि अयोध्या से चले और जनक महाराज के यहां पर एंट्री भी होगी मिथिला के यहां पर, तभी भी यहां से लोग निकल रहे थे, अभी भी अयोध्या से लोग अभी निकल रहे हैं, ऐसे नहीं हजूम यहां आगे शिफ्ट हो गया, ना 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 हजूम निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं, मतलब ये फिल हो गया पूरा पैक, ये पूरा रास्ता पैक हो चुका, पर यहां से लोग चले जा रहे चले उठाओ उठाओ और चीजें उठाओ चलो चलो चलो, ऐसे करके ये पूरा समुद्र था जो जा रहा था मिथिला की ओर। अभी तक ऐसा हुआ था कि नदियां मिलती हैं समुद्र से, पहली बार ऐसा हुआ कि समुद्र मिला मिथिला रूपी नदी से, वहां जाके सब पहुंचे और वहां पर जनक महाराज ने इतना सुंदर आव भगत की, इतनी बढ़िया आव भगत की, एक एक व्यक्ति को वीआईपी रूम दिया गया, ऐसे नहीं जनक महाराज को वीआईपी रूम बाकी सबको डोरमेट्री में डाल दो, ना 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 जी, सबका वीआईपी अरेंजमेंट, everyone got a VIP room, VVA, VV, 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 VIP room,
साल पूरा मिथिला लग गया सेवा करने के लिए अयोध्या वासियों की। ऐसी हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए। जब कोई नया भक्त आया, कोई गेस्ट आया हमारे यहाँ, वहीं गेस्ट डिपार्टमेंट इंचार्ज ये हैं, आप करिए, हम जा रहे हैं ना, कोई आए तो पूरा मंदिर उसको वेलकम करने के लिए हो जाना चाहिए। सो पूरा मिथिला पूरे उत्साह के साथ उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को वेलकम किया, उनसे मिले, उनको हार पहनाए, उनको लेकर गए, उनको प्रसाद कराया। इस तरह से बहुत ही भव्य तरीके से ये उत्सव मनाया गया। तो सबके सब साबित हुआ, सबके सब आए, सब रहे, अपना उनका आवास स्थान दिया गया, ऐसा हुआ। जब इस प्रकार से हुए तो दशरथ महाराज की बड़ी इच्छा थी, अरे जी वो सीता से मिलाइए, सीता कहाँ है, सीता सीता से मिलाइए जी। जैसे ही सीता मैया को लिखा दशरथ महाराज आगे, दशरथ महाराज खुशी के आंसुओं में कपड़े उनके भीग गए, उनके कहता अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है ये, वाह अद्भुत अद्भुत, बहुत खुश बहुत खुश। अब हाँ वशिष्ठ मुनि भी हैं, और वशिष्ठ मुनि के साथ साथ विश्वामित्र मुनि भी हैं। अब दोनों भी मिले हैं, आलिंगन कर रहे हैं, और दोनों बात कर रहे हैं। अरे क्या बात बोल दियो यार, अरे अरे तो बड़ा अच्छा विचार है आपका, अरे तो हो जाए फिर। जनक महाराज और दशरथ महाराज सोचे ये दोनों ऋषि मुनियों क्या हुआ, बड़े आनंद में नजर आ रहे हैं दोनों। उसे पूछा जी ऋषि भाई आप लोग बहुत आनंद में नजर आ रहे हैं, ये क्या मामला क्या है? यार देखिए हम सोच रहे थे कि जब विवाह जब सीता का राम के साथ होना ही है तो साथ ही हम चाहते हैं कि बाकी भाइयों का विवाह, यानी लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, उनका विवाह भी करा दीजिए, क्योंकि हमारे पास तीन बेटियां और भी हैं, आपके भी तीन बेटे और हैं। तो हम सोच ही रहे थे भाई तो बड़ा उत्तम विचार है, हाँ तो हो जाए जी बिल्कुल जी हाँ। ये देखिए हम चाहते हैं कि आपकी बेटी जो उर्मिला है उसका विवाह लक्ष्मण के साथ हो जाए, मांडवी का विवाह जो है वो भरत के साथ हो जाए, शुद्ध कीर्ति का विवाह हो जाए वहां शत्रुघ्न के साथ, क्या रहेगा? अरे क्या बात कही है, आपके मुंह में घी शक्कर और घी शक्कर से बनी हुई जितनी मिठाइयां सब आपके मुंह में, क्या विचार है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से होना था सीता और राम जी का विवाह, लेकिन साथ साथ में हो गया मांडवी और भरत जी का विवाह भी, साथ ही उर्मिला और लक्ष्मण जी का विवाह भी, साथ ही शुद्ध कीर्ति और शत्रुघ्न जी का विवाह। तो ये बात तय हो गई। चलो जी इस तरह से इतना भव्य अरेंजमेंट हुआ कि जितने देवी देवता इत्यादि थे सबके सब अपना लोक छोड़ करके मिथिला में आ गए उस भव्यता को देखने के लिए, उस प्रेम को देखने के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब सब मिलकर के सीता और राम जी का गुणगान नहीं कर रहे थे, एक क्षण नहीं बीत रहा था। रात को लोग सो नहीं रहे थे कि जी ये तो इतना शुभ अवसर है, क्या सोएं। होता है व्यक्ति जब बहुत खुश होता है ना उसकी नींद कम हो जाती है, दुखी लोग ज्यादा सोते हैं दुखी लोग ज्यादा सोते हैं, कहते क्या करें, दुख से बचना है, क्या करूं, क्या सो जाए यार, सो जाओ भाई। तो दुखी लोग बहुत सोते हैं, खुश लोग कम सोते हैं। Those are happy. क्यों सो? खुश है वो। तो क्योंकि सारे अयोध्या वासी, सारे मिथिला वासी सब के सब बहुत खुश थे, आनंद में थे, नींद ना आ रही थी किसी को, सब रात भर यही चर्चा कर रहे हैं, कहते सीता राम कितने सुंदर है, इतना सुंदर, हमारे राम जी के अंदर ये गुण है, कहते हैं आपके राम जी में हमारी सीता में भी ये गुण है, अरे वाह कितने अच्छे गुण है जी, क्या बात है जी। रात रात को लोग कोई बैठा चौपाले बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, ऐसे ही सब बैठे हुए थे, क्या विवाह होने वाला है जी, वाह क्या बात है जी, क्या बात है। विवाह का दिन आया, विवाह का दिन आया तो सीता मैया है साथ में राम जी। अब राम जी स्टॉल और सीता मैया जो उनके हाथ तक आती है, अब राम जी ऐसे खड़े हैं, देखा ना दूल्हे जी ऐसे खड़े हो गए, तो ये कल्चर आया कहां से, राम जी से आए। अब सीता मैया ऐसे माल लकी खड़ी है, लक्ष्मण जी ने देखा भाई ये तो ऐसे तो माला हो नहीं पाएगी, ना हम कुछ करते हैं जी, हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो गए और राम जी के चरण छू लिए, भ्राताश्री। तो राम जी झुके, अरे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया सीता मैया को, माते
तुरंत राम जी के गले में मार डाल दिया। तो लक्ष्मण जी है कौन? गुरु तत्व। लक्ष्मण जी है गुरु तत्व। तो इसीलिए गुरु तत्व, गुरु की वजह से ही हम राम जी को, श्याम जी को, उनको हार पहना सकते हैं, उनको जीत सकते हैं, उनको धारण कर सकते हैं, अगर गुरु की कृपा हो तो। तो लक्ष्मण जी की कृपा से सीता मैया जो है उनको हार पहना पाए, इस हार में उनकी जीत थी। तो उनको माला पहनाया उन्होंने इस प्रकार से, इस प्रकार से सभी का विवाह हुआ, ठीक है जी। और विवाह हुआ उसके बाद जनक महाराज ने क्या किया, वैसे यूज होता है लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं, लेकिन जनक महाराज ने उल्टा किया। जनक महाराज ने क्या किया, सीता के हाथ में राम जी का हाथ दिया ऐसा। और फिर राम जी ने क्या किया, जब ऐसा था तो उसके पीछे, उसके नीचे अपना दूसरा हाथ रखा दिया। तो पहला ये हाथ रखने का मतलब यह है कि सीता जो आपकी हर प्रकार से सेवा करेगी। राम जी ने कहा लेकिन मैं भी सीता की सेवा करूंगा, इस भाव के साथ वास्तव में भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके हाथ में हाथ दिया, सबके सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, ग्रेट सेलिब्रेशन। सबके सब जो है इस दृश्य को देख करके अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए रख लेना चाहते थे। सीता और राम दोनों साथ खड़े हैं, दोनों गले में वरमाला है, साथ उनके भाई भी हैं और सीता जी की बहनें भी हैं, उनका विवाह हुआ। और ये चार कपल इस तरह से खड़े हुए हैं, इफल्जेंट, इलस्ट्रियस, ओजस्वी, तेजस्वी, खूबसूरत, आध्यात्मिक पवित्रता से भरे हुए, मानो पूरे जगत के ऊपर कृपा बिखेर रहे, ऐसे दिख रहे हैं। तो सबके सब वो देखते रहे, दे वर इन ट्रांस। प्रैक्टिकली सारे के सारे अयोध्या वासी और मिथिला के वासी थे, सबके सब दे वर इन ट्रांस। मिथिला इतनी खुश हो गई थी, मिथिला ने अपना साइज कई गुना कर लिया था, इन हैप्पीनेस, खुशी के मारे सबके सब इतने आनंद में थे। तो इस प्रकार से सीताराम जी और बाकी सब जो हजूम था कि चले अयोध्या की ओर, चले, सबके सब बड़े आनंद में थे, चलते रहे, चल ही रहे थे। तभी जो है आकाश में बहुत सारे चील, गिद्ध इत्यादि घूम रहे थे। दशरथ महाराज ने यह दिखा रही है क्या, ऐसे आकाश में चील गिद्धों का ऐसे घूमना, ये अच्छा साइन नहीं है, ये तो बहुत अशुभ लक्षण है, ऐसे कैसे? तो दशरथ महाराज बड़े दुखी हो रहे थे। तो साथ में मंत्री थे, उन्होंने कहा दशरथ महाराज वैसे तो आकाश में इस प्रकार से चील गिद्धों का ऐसे घूमना बताता है कि ना कोई तूफान आने वाला है, लेकिन खास बात यह भी है कि ना ये घूम तो रहे हैं लेकिन बीच की खाली जगह है जिससे सूरज की रोशनी आ रही है। अगर सूरज को ढक लेते तो हम मानते हैं यहां कोई अशुभ होने वाला है, लेकिन ये सब घूम रहे हैं लेकिन बीच का हिस्सा खाली है और सूरज की रोशनी वहां से आ रही है, इसका मतलब तूफान आएगा लेकिन बिना कुछ नुकसान के चला जाएगा। अच्छा तूफान आने, हाँ जी तूफान आने वाला है। ओ जी सामने देखा, सामने से तूफान आ रहा था, धाड़ धाड़ धाड़, पेड़ उखड़ रहे थे, इतने खरगोश, सांप, ये इत्यादि सामने बिल में चले गए, शेर इत्यादि भाग गए, ऐसा हो रखा था, जितने भी आज तालाब इत्यादि सूख गए। और वहां पर धूल उड़ाते हुए पहुंचे परशुराम। परशुराम जी ने कहा कौन है वो, कौन है वो जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, कौन है वो? राम जी ने कहा मैंने तोड़ा है, ये दुस्साहस मेरे से हुआ है। तुमने तोड़ा है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राम है, आप तो परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूं। अब दशरथ महाराज घबराए हुए थे। दशरथ महाराज ने कहा अब मैं कहां से अब एक और शादी करूंगा, बिकॉज जब भी परशुराम आते थे तो अयोध्या में तो अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, अभी चलते चलते अब क्या होगा? तो दशरथ महाराज बड़े घबराए हुए थे। तो राम जी ने जो है तारीफ होनी शुरू की, उन्होंने कहा परशुराम जी निश्चित रूप से आप जो कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके पिताजी का अपमान करे, उसके बाद आक्रोश में आकर के क्षत्रियों का रजोगुण काटने का जो कार्य आपने किया है प्रशंसनीय है। ये सुनकर के परशुराम थोड़े ठंडे हुए, लेकिन दशरथ महाराज सोच रहे थे ये परशुराम जी की तारीफ कर रहा है मेरा बेटा। तो उसका फिर राम जी ने जो बोला तो दशरथ महाराज को समझ आ गया। राम जी ने कहा जिस व्यक्ति का इतना प्रेम है अपने पिताजी के साथ कि उन पिताजी की हत्या अगर की हो उन क्षत्रियों ने, और क्षत्रियों का हनन करने के लिए आप परशुराम जी 21 बार आपने क्षत्रियों का नाश किया है, निश्चित रूप से आपको अपने पिताजी से बहुत प्रेम रहा है,
एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने पिता से इतना प्रेम है, क्या वो मेरे पिताजी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा? ये तो वास्तव में कल्पना के परे है। दशरथ महाराज जी को समझ में आया, ओ इसीलिए ये प्रशंसा कर रहे हैं परशुराम जी की। तो परशुराम जी ने जब भी सुना तो उनका भाव और ठंडा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा, बताइए मेरे लिए क्या आ गया है? तूने दुस्साहस किया है राम, दुस्साहस किया तूने, तूने शिव का धनुष उठा करके तोड़ा है, तूने इतना पराक्रम है, ये है विष्णु का धनुष, इसको उठा के दिखा। राम जी ने धनुष लिया, धनुष लेकर के ही लेकर के परशुराम जी के तुणीर से तीर निकाला और ये धनुष पे चढ़ाया। ये क्या 1 माइक्रोसेकेंड के अंदर परशुराम जी देखते रह रहे। अब उनका जो बचा कुचा था वो भी ठंडा हो गया उनका। तो राम जी ने कहा, बताइए अब कहां छोड़ना है इसको, क्योंकि तीर अब जब एक बार आ जाता कमान के ऊपर धनुष पे तो छोड़ना तो होता ही है। परशुराम जी चुप रह गए। तो ये विष्णु का धनुष और कोई जगत में उठा ही नहीं सकता, कैसे उठा लिया? तो राम जी ने कहा, क्या करूं, क्या मैं इसको आपकी टांगों पे छोड़ दूं जो 21 बार ऑलरेडी बहुत भ्रमण कर चुकी हैं? तो फिर आराम ही होगा फिर आपका, सिर्फ परशुराम करे आराम। या आपके पुण्यों पे छोड़ दूं? परशुराम जी ने कहा, आप ना इसको मेरी उस अज्ञानता पे छोड़ दीजिए जो पहचान नहीं सकी कि स्वयं प्रभु यहां उपस्थित है राम जी के रूप में। अब ऐसा नहीं उनमें अज्ञानता है, परशुराम जी भी तो शाक्त विशा रहे, ऐसा नहीं उनमें अज्ञानता है, जो हो रहा है वो तो लीला शक्ति का अनुभूति हो रहा है। तो लेकिन राम जी ने कहा, ठीक है मैं इसको छोड़ता हूं, आप महेंद्र पर्वत जाइए, वहां जाके तपस्या करिए। अब परशुराम जी ने कहा, बिल्कुल मेरा अब मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, अब तो आपकी लीला का समय वास्तव है। और ये तो शक्ता भी शब्द आ रहे हैं परशुराम जी, ये तो स्वयं प्रभु विष्णु तत्व नारायण श्री रामचंद्र। तो श्री रामचंद्र जी ने वो तीर लिया और छोड़ा, छोड़ा तो जो तीर था इट कन्वर्टेड इनटू अ कारपेट, बहुत सुंदर कारपेट के रूप में वो परिवर्तित हो गया। फिर परशुराम जी ने कहा, परशुराम जी इसे विराज किया और फिर कारपेट लेकर के चला गया उनको कि अब आप यहां पर आराम करिए। और इस प्रकार से हमने कहा, ओ तो यानी तूफान आएगा लेकिन चला भी जाएगा बिना कोई नुकसान पहुंचा, और भला कोई नुकसान कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां रामचंद्र जी हैं वहां पर भला नुकसान हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्व मंगलमय है श्री रामचंद्र, तो इसीलिए कोई भय की बात नहीं। तो इस प्रकार से सबके सब नाचते गाते फाइनली इस तरह से अयोध्या पहुंचे और विवाह की बड़ी सुंदर लीला संपन्न हुई श्री रामचंद्र जी की। तो इस प्रकार से वहां श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं, बहुत ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं रामचंद्र जी की, टाइम भी अब पूरा हो चुका है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम हमेशा भगवान की लीलाओं को ध्यान से सुने। जीवेर कारण आशिया प्रपंच लीला कोयले सुविस्तर, जीवेर कारण जीवों के कल्याण के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। तो भगवान रामचंद्र के रूप में भी अगर वो आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं, जीव का उद्धार करने के लिए, जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अरे बांगड़ो भटूरो कब तक संसार में मरते रहोगे तुम लोग जन्म मृत्यु चक्र में, मेरी लीलाओं में आ जाओ, कम आ जाओ। तो भगवान हमें आमंत्रित करने के लिए आते हैं, बार 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 आते हैं किसके लिए, जीवे निकार में। इसीलिए और राम जी का बड़ा महत्व भी हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में, कई सारे हैं, सीताराम लक्ष्मण जी का ऑल्टर है यहाँ पर भी है, जुहू में भी है। मैं हम जो मिले थे योगी आदित्यनाथ जी से तो हमने राम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का उनको ऑल्टर दिया था, कहते हैं ओ आप तो कृष्ण जी वाले हो, योगी आदित्यनाथ बोले थे हमको, कहते आप तो कृष्ण भगवान वाले हो, राम जी में आ गए, डिपार्टमेंट चेंज कर लिया आप लोगों ने। तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी से बोला, मैंने कहा जी योगी जी हम कृष्ण जी वाले भी हैं राम जी वाले भी हैं, हमारा महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ अच्छा फिर ठीक है तो अफकोर्स वो भी मतलब थोड़ा सा प्यार भरे छेड़ रहे थे हमको, हमने वैसे ही उनको जवाब दिया, तो देन ही वेलकम इज वेरी नाइस अफकोर्स। और लोग कृष्ण भक्तों के लिए, जो कृष्ण भक्त जो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं उनके लिए राम का मतलब है हरे कृष्ण मंत्र में राधिका रमन राम, और जिनको साकेत धाम जाना है देखें जन हरे राम 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 हरे, अयोध्यापति राम सीतापति राम
सो लाइक दैट. पर यस, राम जी का भी बड़ा बड़ा महत्व है. महाप्रभु ने सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के दर्शन कराए थे मुरारी गुप्त जी को, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे जो है आप सीताराम जी के दर्शन. तो मुरारी गुप्त खुद को भी देखा हनुमान जी के रूप में महाप्रभु की लीलाओं के अंदर. तो महाप्रभु ने, श्री गौरंगा महाप्रभु ने दर्शन कराए थे मुरारी गुप्त को. तो इस प्रकार से राम जी का भी बड़ा महत्व है, नो डाउट. और उनकी लीलाएं चरित्र से भरी हुई हैं, शिक्षाओं से भरी हुई हैं. ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को हम नहीं कॉपी कर सकते, उनके सिर्फ वाणी को फॉलो कर सकते हैं. राम जी का चरित्र बड़ा सुंदर है, उसको फॉलो कर सकते हैं वास्तव में. तो इसलिए उनकी जो लीलाएं सुनकर के हम प्रेरणा ले सकते हैं, नो डाउट, वी कैन डू दैट. एक समय ऐसा हुआ था, निद्रा देवी बोली, निद्रा देवी आए लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण थोड़ी सेवा स्वीकार कर लीजिए हमारी. लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, मेरे होते श्री राम का वनवास हुआ, मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता. अच्छा, ऐसे थोड़ा पावर नैप ले लीजिए. नो प्लीज, 14 साल हो गए आपको, नहीं प्लीज, जाइए यहां से, जाना है जाके उर्मिला की सेवा करो, वो भी वहां पर 14 साल नहीं सोई है, जाके उसकी सेवा कर दो. तो ये लेटर हेड लेकर गई लक्ष्मण जी का, कहते ये लेटर हेड में उनको भेजा, मेरी सेवा स्वीकार करेंगे. उर्मिला जी ने बोला, जब मेरे पति नहीं सोए तो मैं भला कैसे सो जाऊंगी, प्लीज आप जाइए यहां से. तो निद्रा देवी आई राम जी के पास, राम जी आपके भक्त मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करते. तो राम जी ने कहा, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि ना मैं भक्तों की थोड़ी सेवा कर सकूं. राम जी ने कहा, ठीक है निद्रा देवी, तुम चाहती हो भक्तों की सेवा करना, ठीक है, अगर कभी हरि कथा हो रही हो और हरि कथा में कोई थोड़ा सा इनअटेंटिव हो जाए तो तुम उसकी सेवा कर देना. जैसे देखते कभी कभी लोग कथाओं में क्लास में आकर श्रीमद भागवतम की जय, महाप्रसादी को मिलने, तो इनअटेंटिव होंगे तो निद्रा देवी फिर सेवा करती हरि भक्तों की, लाइक दैट. तो हमें बन, नो डाउट वी शुड लिसन विद रैप्ट अटेंशन द ग्लोरीज ऑफ श्री रामचंद्र. एक समय ऐसा होता, एक स्कूल था, स्कूल में जो है, पर वो स्कूल बड़ा विख्यात था रामायण के लिए, ठीक है जी. तो आए एक इन्विजिलेटर आए वहां पर, यहां बच्चों से पूछेंगे, बच्चों शिव का धनुष किसने तोड़ा, बेटा तुम बताओ. बेटा जी मैं 3 दिन से छुट्टी भी हूं, मैंने तो नहीं तोड़ा. What? तुम बताओ. कहते ये सही बोल रहा है, ये भी 3 दिन से नहीं आया, मैं भी नहीं आया, मैं भी नहीं तोड़ा. टीचर क्या हाल है बच्चों का, ये शिव का धनुष किसने तोड़ा ये बच्चों को पता ही नहीं है. तो टीचर बोला, सर छोड़िए ना सर, हम लोग कमेटी बिठाएंगे, हम पता लगा लेंगे किसने तोड़ा है. ये टीचर का हाल है, प्रिंसिपल के पास गयो, प्रिंसिपल साहब आपको पता है मैंने बच्चों से पूछा शिव का धनुष कैसे तोड़ा, कहता है मैं 3 दिन से छुट्टी थी हूं. और टीचर बोलता है, सर हम कमेटी बिठाएंगे, जांच कराएंगे. पता है ये प्रिंसिपल साहब, ये क्या हाल है बच्चों का, टीचर का यहां पर. प्रिंसिपल बोला, अरे सर आपको चिंता करते हैं, हम नया बनवा देंगे सर, गलती हो जाती है. ओके, आज स्टॉप है, 9 बज चुके हैं. सियावर रामचंद्र भगवान की, आने वाले राम महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की.